करीब 164 साल पुराने विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। करीब 164 साल पुराने विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मसले को सुलझाने को लेकर समय समय पर कई प्रयास किए गए। हाल ही में श्री श्री रविशंकर ने इस मसले पर मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। इससे पहले अलग अलग मौकों पर समाधान को लेकर कई फॉर्मूले भी पेश किए गए। आज हम इनमें से चार प्रमुख फॉर्मूलों के बारे में बता रहे हैं। फॉर्मूला नंबर एक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को तीन पक्षों में बांटा। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित 2.77 एकड़ की जमीन को मामले से जुड़े तीन पक्षों निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे दे दिया। फॉर्मूला नंबर टू, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपसी बातचीत से सुलझाएं विवाद। मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने की सलाह दी। तब के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने तो यहां तक कहा कि वे खुद इस मसले पर मध्यस्थ बनने को तैयार हैं। फॉर्मूला नंबर तीन, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था मंदिर मस्जिद दोनों बनने चाहिए। मार्च 2017 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां अभी रामलला विराजमान है। सरयू नदी के दूसरी तरफ मस्जिद बननी चाहिए। फॉर्मूला नंबर चार, शिया वक्फ बोर्ड ने कहा था मुस्लिम बहुल इलाके में बने मस्जिद। 8 अगस्त 2017 को शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अयोध्या में मस्जिद विवादित जगह से कुछ दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में बनाई जा सकती है। शिया वक्फ बोर्ड हाल ही में इस विवाद में पार्टी बना है।